चलो, तो आज प्रोग्राम है प्रिंट 1 to n नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 7। ये हम C++ में कर रहे हैं और इसको किसी में भी करेंगे, लॉजिक यही होगा। ठीक है, लॉजिक हमारा यही रहने वाला है। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो हमारा है क्या चीज़ यहाँ पे, एक हम नंबर इनपुट लेंगे, ठीक है, n करके i चलाएंगे लूप के लिए। ठीक है, एंटर n, ठीक है, अप टू एन जाना है हमें, ठीक है ना, प्रिंट 1 to n। ओके, तो सी इन करेंगे हम, यहाँ n का इनपुट लेंगे, अब यहाँ लूप चलाएंगे i 1 से लेके n तक, एक एक बढ़ाते हुए। अब बहुत सिंपल चीज़ है, देखो, अगर मैं यहाँ पे i लिख देता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा सीधा 1 to n, ठीक है ना, ये 1 to n प्रिंट करेगा सीधा सीधा, टू एन लिख दिया, रन करते हैं। अब हम देखें आईओ स्ट्रीम, डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 20, तो ये 1 to 20 प्रिंट किया ऐसे। ठीक है, अब 1 to जो हमारा कोड है उसमें क्या है, ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हो और 7 से नहीं, तो 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 होता है, 5 6 7 नहीं, 8 होता है, 12 होता है, फिर 16 होता है, 20 होता है, 24 होगा, लेकिन 28 नहीं आएगा क्योंकि 28 7 से भी होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 4 से डिविजिबल वाले, चलो इफ आई मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 अगर है तो ही आई को प्रिंट करना, नहीं तो मत करना। देखो, अब मैं लिखता हूँ यहाँ 50, तो क्या आया, 4 की डबल आई। अब इसमें ये बताओ जो 7 से डिवाइड होते हैं वो नहीं आने देता, 7 से कौन सा डिवाइड होता है, 28 होता है ना, तो वो नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक तो कंडीशन ये थी, जो डिवाइड हो 4 से एंड जो 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। देखो, अभी फिर से लिखता हूँ 60, तो देखो 28 गायब हो गया, 56 गायब हो गया, राइट। तो कितना सिंपल था, यहाँ पे मैसेज कर दो द नंबर्स विच आर डिविजिबल विथ 4। ठीक है, दूसरी लाइन लेता हूँ, बट नॉट विथ 7 फ्रॉम 1 to n आर। देखो, और स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया ऐसे, नंबर्स आर डिविजिबल विथ 4 बट नॉट विथ 7 आर फ्रॉम 1 to 60 आर, ये आ गया सारा। क्या देखो, कॉमा तो ऐसे ही गैप करने के लिए, देखो कॉमा हटा दिया तो ये तो सीधा सीधा प्रिंट हो रहा है ना बेटा, ये कॉमा यहाँ से, ये हाँ, ये इसके लिए था, और ये आई 4 से डिवाइड होना चाहिए और ये 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू लगा दिया। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये इक्वल टू ऑपरेटर, और ये मॉडुलो ऑपरेटर, और ये इफ लगा दिया, राइट। लॉजिक तो यही रहेगा, आप चाहे सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, जावा कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, लॉजिक हमेशा यही रहने वाला है। हाँ, दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट।